हाय एवरीवन, आज हमको देखना है इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4 हमें सॉल्व करना था। तो इस वीडियो में हम लोग 3 करेंगे, इसके बाद वाले में इसी वीडियो में 4 नंबर भी देखेंगे। तो इससे पहले इसका 1-2 अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, इस वीडियो के पहले वो वीडियो आया था तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करके भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। मतलब एक लीनियर इक्वेशन है और उसमें उसको सॉल्व करने के बाद मतलब पता करना है कि यूनिक सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है कि इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन है। इन केस जब हमको मालूम पड़ जाएगा कि वो यूनिक सोल्यूशन है तब हमको क्या करना है कि यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे मतलब एक्स और वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन और इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन कैसे पता करें, तो उसको जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। नहीं देखें तो इसके पहले वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। चाहे आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, उससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे a1 किसको लिखते थे, पूरा ऊपर वाला जो होता है ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, नीचे वाला a2 b2 c2। a1 किसको लिखते हैं, वेरिएबल का जो कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे x वेरिएबल का कांस्टेंट 3, तो a1 क्या हो जाएगा 3। एक सॉल्व कर देते हैं अच्छे से, a1 क्या हो जाएगा 3, b1 -5 y वेरिएबल का, c1 20, ऐसे ही a2 क्या हो जाएगा 6, b2 क्या हो जाएगा -10 और c2 40, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो देखेंगे, a1/a2 3/6 काटोगे तो 1/2, फिर b1/b2 ऊपर -5 और नीचे -10, माइनस से माइनस जाएगा 1 और नीचे 2, इसको देखोगे तो 1/2, फिर c1/c2 ऊपर 20 और नीचे 40, काटोगे तो ये भी आ जाएगा 1/2, ऊपर 1 और नीचे 2। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि a1 a2 इक्वल है b1 b2 और इक्वल है c1 c2, मतलब तीनों एक दूसरे से इक्वल है, ठीक है। जब तीनों एक दूसरे से इक्वल है तो कौन सा केस हो जाएगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। तो सीधा लिख देंगे हेंस दिस इक्वेशन हैज इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे होगा ये, कौन सा केस होगा, कैसे पहचानेंगे, तो इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं। अगर वो भी नहीं देखना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा केस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन आया तो इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन जब होगा तभी सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, सेम यही काम करना है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, a1 क्या हो जाएगा x वेरिएबल का 1, फिर इसके बाद b1 y वेरिएबल का -3, फिर c1 -7, फिर a2 3, b2 -3 और c2 -15 हो गया। इसको ऐसे ही रेशियो देखेंगे, a1/a2 का रेशियो 1/3, b1/b2 -3 और -3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 3 3 1 1 में, फिर c1/c2 -7 और -15, माइनस से माइनस जाएगा और 7/15 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है।
तो इसे क्या दिखता है हमें कि A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। तो जैसे ही ये वाला केस आएगा तो ये केस किस चीज़ का है, किस चीज़ का है, यूनिक सॉल्यूशन का। तो लिख देंगे हम लोग हैंस दिज इक्वेशंस हैव ए, दिज इक्वेशंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। जैसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन लिखेंगे मतलब सीधे यह शब्द आता है कि यूनिक सॉल्यूशन जैसे ही हो गया तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि ये तो पहले से ही अरेंज है कि जो भी अगर ये इस साइड रहता ना तो सीधे हम लोग करते यही हैं कि इज इक्वल टू कि इधर सबको लेके आते हैं, मतलब कोई भी इस साइड नहीं रहना चाहिए। तो ये पहले से ही अरेंज किया गया है तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे। तो लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। इसके बाद देखो सिंपल कौन सा हम लोग रूल लगाते हैं, लिखेंगे यहाँ पे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे वाई, यहाँ पे लिखेंगे वन, समझ में आ गया। तो इससे इजी कोई मेथड ही नहीं होता है। अब एक्स वाई और वन लिख दिए तो एक्स के नीचे हम लोग बीच में कुछ नहीं लिखते, इस साइड और इस साइड लिखेंगे। तो देखो एक्स वाले के लिखने के लिए हम लोग एक्स वाले टर्म को तोप देंगे, बाकी जो बचेगा उसको नोट करेंगे। तो एक्स को तोपोगे तो क्या बचेगा, -3 और नीचे -3। तो इक्वल इस एक्स इधर -3 और नीचे -3, और क्या बचा था -7 और -15। तो एक्स बीच वाले में नहीं लिखना है, इधर फिर इस साइड -7 और -15। ये अगर जिनको ये दिक्कत होता है कैसे लिख रहे हैं तो समझो कि मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग नहीं देखें, देख लो बहुत अच्छे से समझा है, आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन वीडियो के नीचे देखना मिल जाएगा, 4 मिनट का वीडियो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में था, सिर्फ स्पेशलिस्ट इसी को समझाने में उसको लगा हुआ है, एक वीडियो बनाया है, ठीक है। तो उसको देख के आओ इसलिए आपको समझ में आएगा। इसके बाद जैसे ही एक्स वाले को लिख लिए तो फिर इस पर इसके बाद वाई के नीचे लिखना है। तो वाई के नीचे लिखने के लिए हमें वाई वाले को तोपना होगा, तो जो बचेगा उसको नोट करेंगे। तो देखो एक बचता है -7 और -15, तो -7 और -15 पहले से लिखा हुआ है, तो कौन सा लिखेंगे, 1 और 3। तो इधर लिख देंगे 1 और नीचे 3। इसके बाद 1 मतलब कांस्टेंट नंबर है, तो हम लोग कांस्टेंट वाले टर्म को तोप देंगे। तो क्या आप दिख रहा है हमें, एक बच रहा है 1 और नीचे 3, 1 3 पहले से नोट डाउन है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, -3 और -3 नोट हो गया, ओके, क्योंकि लास्ट वाले को तोपे हो। तो कौन सा बच जाएगा, ये और ये, तो ये जो पहले से होगा उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बच दिख रहा है तो ये वाला बच रहा है तो इसको नोट कर देंगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, एक दो बार अपने से ट्राई करो बन जाएगा, सिंपल तो है, कुछ करना थोड़ी है। जैसे एक्स के नीचे लिखना है तो एक्स वाले टर्म को तोप दो, बाकी देखो जो बच रहा है उसको लिखा गया है, -3 और -3, -7 और -15 लिखे है ना कॉन्स्टेंट नंबर। फिर देखो वाई वाले को तोपो, वाई वाले को तोप दिए तो क्या बच रहा है, -7 -15 पहले था, तो इस साइड जो पहले से उसको छोड़ देंगे, जो और कौन सा बच रहा है 1 और 3, तो 1 3 इस साइड। फिर लास्ट वाले को तोपे हैं तो कौन सा बच रहा है 1 3, तो 1 3 पहले से लिखा हुआ नहीं लिखे हैं, -3 और -3 इस साइड लिख दिए। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कर दो, ऐसे क्रॉस कर दो और नीचे लिख देना फिर एक्स, नहीं दिखता होगा ना। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे लिख देना है एक्स और एक लाइन, फिर लिखना है वाई और एक लाइन दे देना, फिर इक्वल टू 1 और 1 लाइन, ठीक है। अब देखो एक्स के नीचे क्या करना है कि क्रॉस जो किया है -3 और -15 एक साथ रख दिए और माइनस का साइन, फिर ये -3 × -7, ठीक है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और माइनस का साइन लगा के फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये सब के साथ होगा। फिर वाई के नीचे भी वही होगा, -7 × 3 और माइनस का साइन, फिर -15 और 1, तो मतलब यही रह जाएगा, फिर 1 × -3 - 3 × -3 ये वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो क्या आ रहा है, देखो एक्स के नीचे लिखोगे तो -3 और -15
क्या हो जाएगा, 45 माइनस माइनस प्लस, और 15 इंटू 3 45, और माइनस 7 14 21, 21 और ये माइनस माइनस प्लस, मतलब सीधे 21 केवल आएगा क्योंकि बाहर वाला माइनस तो माइनस में रहेगा। इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस 7 और 3 माइनस 21, और माइनस और माइनस मिलके प्लस 15 इक्वल टू 1, माइनस 3 और 1 माइनस 3, और 3 और 3 9, और माइनस तो मतलब माइनस 9, और ये बाहर वाला माइनस मिलके प्लस 9। ठीक है, इसके बाद एक स्टेप और करते हैं, उसके बाद पीछे करेंगे। एक स्टेप यहाँ पे देख लो, इसके बाद पीछे करेंगे। एक्स इसके नीचे क्या बचेगा, 45 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा, 24 इक्वल टू वाई के नीचे माइनस 21 में से 15 जाएगा तो माइनस 6 1, और 9 में से जब 3 जाएगा तो 6। ठीक है, अब देखो ये दिख रहा है ना नीचे वाला, इसको यहाँ पे साइड में कर दें, थोड़ा सा तो स्टेप बचा हुआ है, साइड में कर देते हैं। ठीक है, देखो एक बार क्या करेंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू 24, सॉरी गलती कहाँ लिख दी, एक्स बाई 24 इक्वल टू, एक बार इसको इससे करेंगे, इसको इससे, और फिर एक बार इसको इससे, बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको इससे और इसको इसके साथ, तो एक्स 24 इक्वल टू किसके साथ, जब तीनों इक्वल है तो एक दूसरे के साथ रह सकता है, तो 1/6 के साथ। ठीक है, तो ये 6 चला जाएगा x के साथ, तो 6x बाई 24, 24 1 के साथ 24, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/6 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 4, 6 12 18 24, 4 कटने के बाद 4, तो x का मान क्या आ गया, 4। ऐसे ही ये वाला क्या है, y बाई माइनस 6 इक्वल टू 1/6, फिर ऐसे ही यहाँ पे होगा 6y इक्वल टू माइनस 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 6/6 कटेगा तो 1 माइनस 1, तो y इक्वल टू माइनस 1, तो x का मान 4 और y का मान माइनस 1। तो यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।